अठारवा अध्याय प्रलंबा सुर उद्धार। श्री सुखदेव जी ने, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब आनंदित स्वजन संबंधियों से गहरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। ये शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वासुदेव के स्वाभाविक गुणों से वहाँ वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो कर रहे थे। जिंगरों की तीखी झनकार, झंझरों की मधुर झरनों के मधुर जरजर में छिप गई थी। उन झरनों ने उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहिया उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी-हरी दूब से पृथ्वी हरी-हरी हो गई रही थी। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए कहार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का ही धाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उसके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उन वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगी पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हरिन चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मोर कुकू रहे तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं। कहीं कोयले कुहकू करती हैं तो कहीं सारस अलग ही अपना अलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौवे चली, पीछे पीछे ग्वालबार और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और ग्वालबालों ने नव पल्लवों, मोरपंखों के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी ने राग अलाप नाच शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घूमरी परता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कुत्ते कुंडी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ठेले फेंकते तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कसी करते।
एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सिंगी आदि बजाते और महाराज कभी कभी वे अवाहवा कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बैल जायफल या अमले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वहीं पीछे से ढूंढता इस प्रकार आंख मिचोली खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से पृथ्वी वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाह के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी पर्वत घाटी कुंज वन और सरोवर में से वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौवे चरा रहे थे तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए कि फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल टोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौवे चराते हुए बांडरिक नामक वट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर डोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंग प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा। अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उनकी चाल रुक गई, तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धक-धक रही थी और दाढ़े भौं पर पहुंची हुई बड़ी भयानक थी। उसके लाल लाल बाल एवं इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी क्रांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण में अपने स्वरूप की याद आते ही उसका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए वैसे ही
ये शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूसा कसकर जमाया। घूसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया, वह मुंह से खून उबलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा उरज से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी वह शक्तिशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुर को मार डाला, तब उन्होंने उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हो इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वत्स, वस्तुतः बलराम जी उसके योग्य ही थे। प्रलम्बासुर मूर्तिमान पाप था। उनकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे।